गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट समझाने का कोशिश करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कंप्लीट एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या उसके अंडर में आएंगे, उसका डिटेल पूरा बताने का कोशिश किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड एज पर AS3, सिंपल वर्ड है एज पर AS3। फॉर्मेट में अपना पार्टिकुलर्स रुपीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 3 एक्टिविटी आता है, जो पार्ट 1 में समझाया गया था आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक सवाल को कंप्लीट तीनों एक्टिविटी को इन ए फॉर्मेट सोल्व करना है और ये जो बताया गया था इस चीज को कंप्लीट फॉलो करना है। उस चीज को हम लोग फॉर्मेट के अंदर ही सीरियल वे में फॉलो करेंगे। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग, लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको याद हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया जाता है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद वर्किंग कैपिटल का चेंजेज एडजस्ट होगा और इनकम टैक्स पेड को माइनस किया जाएगा। ये टोटल चीज एक फॉर्मेट में शो कर देंगे। दैट फॉर्मेट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। सबसे पहले ए नंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको हम लोग नोट 1 वर्किंग करके दिखाएंगे। इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में कुछ एग्जांपल लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल रिटेन ऑफ, से डिवेंचर इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, अब ये देखिए, ये जितना भी लॉस के रूप में है, एक्सपेंस के रूप में है, ये सारा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये लास्ट वाला दो इनकम लिखे, ये दो निगेटिव, निगेटिव मस्ट बी इन ब्रैकेट। इसका जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसके अंदर में एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA एंड CL करेंगे।
से कोई भी आइटम करेंट एसेट्स का अगर होता है तो इंक्रीज इन करेंट एसेट उस आइटम का नाम लिखेंगे रुपया निगेटिव होगा। अगर वो इंक्रीज के जगह पे डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज इन उस आइटम का नाम लिखेंगे रुपया पॉजिटिव होगा। अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी रहा, इंक्रीज इन लायबिलिटीज वो भी पॉजिटिव होगा, और डिक्रीज इन लायबिलिटी रहा तो वो निगेटिव होगा। इसके बाद एक आंसर आएगा, इसको बोलते हैं कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से एक चीज माइनस करेंगे, इनकम टैक्स पेड, दैट इज योर आवर आंसर। ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर से एक बार देखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्लस माइनस, सीएसीएल प्लस माइनस, इनकम टैक्स लेस होगा, यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होगा। अर्लियर जैसा आपको बताए थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम, चेंज इन सीएसीएल, लास्ट में इनकम टैक्स पेड। दूसरा एक्टिविटी होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का कोई आइटम अगर परचेज करते हैं तो उसके लिए पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा निगेटिव, और सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं तो उसके लिए पैसा आएगा। ठीक वैसे ही परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो पैसा आउटफ्लो होगा, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो पैसा इनफ्लो होगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड रिसीव्ड अगर होता है तो वो इनफ्लो प्लस हुआ, और इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो वो प्लस होगा, एंड रिजल्ट को बाहर करेंगे। ये हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन डिटेल, पहले आपको दिखाए थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा। ये जो था इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो था, इसमें देखिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब परचेज परचेज होने से आउटफ्लो हो जाएगा, इसी को उस फॉर्मेट में कॉन्टेंट कर देना है। इसका लास्ट एक्टिविटी सी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अंडर क्या आएगा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, शेयर इश्यू करने से पैसा आएगा इनफ्लो, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, रिडीम करने से पैसा जाएगा आउटफ्लो, इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इश्यू करने से इनफ्लो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडीम करने से आउटफ्लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड,
interim dividend paid, final dividend paid, ये तीनों paid minus, result बाहर जाएगा। पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाया गया था, इनफ्लो दीज आर आउटफ्लो, इसको सजा दिया गया, रिजल्ट बाहर गया, बाहर के रिजल्ट को फाइनलाइज कर देंगे। ये जो फाइनल आया अगर पॉजिटिव होगा तो उसका नाम होगा नेट इंक्रीज, अगर निगेटिव हुआ तो नाम होगा डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आंसर चेक करेंगे, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को पुट करेंगे, रिजल्ट आएगा, क्लोज कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। जो ओपनिंग कैश दिया है उसमें प्लस माइनस करने से क्लोजिंग आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसमें कैश का बैलेंस आएगा, कैश का बैलेंस आएगा, बैंक होगा, कैश कैश होगा, बैंक होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है, करेंट इन्वेस्टमेंट इसको पुकारते हैं। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। कुछ वर्किंग करना ही होगा। एक नंबर जो स्टार्ट किए थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका वर्किंग कंपलसरी है। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ ऐड होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल या इसको प्रपोज्ड डिविडेंड बोलते हैं, तब ये आ जाएगा। इसके अलावा दो नंबर में आपको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है, परचेज सेल लॉस डिप्रिसिएशन किसी भी आइटम का मिसिंग होने से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ सकता है, परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है, और जरूरत पड़ने पे अदर नेसेसरी अकाउंट। जो चीज हम लोग तीन पार्ट में सीखे थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वही तीनों एक साथ असेंबल कर देना है, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका पूरा फॉर्मेट एक बार रिकैप कर देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन एक्टिविटी में बटा हुआ रहता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहला है, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होगा। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसमें एक्सपेंसेस है तो प्लस, इनकम है तो माइनस, सीए सीएल का चेंजेज प्लस माइनस होगा, सीए इंक्रीज होने से निगेटिव, डिक्रीज होने से पॉजिटिव, सीएल इंक्रीज पॉजिटिव, सीएल डिक्रीज निगेटिव। इसमें से इनकम टैक्स लेस कर देंगे, यहां पे आके ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। इसी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को ऐड कर देंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके बाद उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी लास्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर,
रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड, इंट्रीम या प्रपोज डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट हुआ, तीन एक्टिविटी का आंसर था, तीनों लेके आपस में आंसर निकला। अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीज या निगेटिव है तो डिक्रीज, इसका नाम होता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। उसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट को पुट कर देंगे, आंसर क्लोजिंग आ जाएगा, यहां से वेरीफाई हो जाता है कि हम लोग सवाल सही बना पाए कि नहीं। इसको बनाने के लिए वर्किंग्स मैंडेटरी है, बिना वर्किंग्स का तो पॉसिबल नहीं है कंप्लीट हो। स्टार्ट करने के लिए ही जो चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसा पहले सीखे थे हम लोग पार्ट वन में वैसे ही निकालेंगे। प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट से चालू होगा, इसमें चार चीज प्लस किया जा सकता है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। ये मैंडेटरी वर्किंग है, इसको भी तो चाहते तो फॉर्मेट के अंदर कर सकते थे, फॉर्मेट अननेसेसरी बड़ा हो जाता, इसको हम फॉर्मेट के बाहर ले लिए। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एज अर्लियर जैसे बताए थे उस टाइप से इसको बनाना पड़ सकता है। फिक्स्ड एसेट से परचेज या सेल निकलेगा, हो सकता है डेप्रिसिएशन निकले, इन्वेस्टमेंट से परचेज से निकलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स से टैक्स पेड वाला अमाउंट पता चलेगा, या और भी कोई अकाउंट का जरूरत पड़ेगा तो ये बनाना होगा। इस तरह अगर पूरे फॉर्मेट को फॉलो करे तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का बड़ा सा प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके अंदर लाया जा सकता है। ओके, थैंक यू। ये अकाउंट का लुक देख देते हैं, जो भी फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे उसका नाम दे दिए, नाम सपोज दे दिए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट नाम दे दिए। अब ये जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे इनका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी के रूप में दिया गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी के रूप में दे देंगे। अगर इस फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो बाई डेप्रिसिएशन ले आए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके फिक्स्ड एसेट का बाई में डाल दिया गया। अगर फिक्स्ड एसेट बेचता है तो बाई बैंक अकाउंट सेल लिखेंगे, लॉस होने से तो बाई पीएल अकाउंट लॉस हुआ, अगर लॉस के जगह प्रॉफिट हो गया तो उसको ले आएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। क्वेश्चन में कोई एक ही चीज हो सकता है, आइदर लॉस या नहीं तो प्रॉफिट, इसको इस साइड प्लस किए यहां लाए, आंसर इज टू बैंक अकाउंट परचेज। ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड अकाउंट, ये आंसर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट से परचेज। दूसरा अकाउंट बनाना पड़ सकता है, दैट अकाउंट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो फिक्स्ड एसेट की तरह ही ये स्टार्ट होगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से, क्लोज होगा बाई बैलेंस सीडी के नाम से। इसमें भी सेम चीज, अगर अपने बेचते हैं तो बाई बैंक अकाउंट सेल, लॉस हुआ तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, लॉस के जगह प्रॉफिट हो गया तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट होने से खरीदेगा, आंसर निकलेगा टू बैंक अकाउंट परचेज। और एक चीज इसके अंदर में आ सकता है, वो रेयर किसी किसी सवाल में मिलता है, बाई में डिविडेंड रिसीव्ड। ये डिविडेंड रिसीव्ड नॉर्मल डिविडेंड नहीं है, प्री डिविडेंड बोलते हैं इसको। अगर प्री डिविडेंड हुआ तो वो अपना कैपिटल इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और एक अकाउंट, लास्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी होता है, इसलिए ये स्टार्ट होगा बाई बैलेंस बीडी, क्लोज होगा टू बैलेंस सीडी, करेंट ईयर का जो प्रोविजन किया जाएगा उसको बोलते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम लोग एक वर्ड मेड या एप्रोप्रिएटेड बोलते हैं इसको। अगर पेड करता है तो टू बैंक अकाउंट
इसको हम लोग पेड बोलते हैं, तो पेड देने से मेड निकलता है, मेड देने से पेड निकलेगा, दोनों तरफ टोटल को इक्वल कर देंगे। ये वर्किंग का अकाउंट्स है, इसको बना लेने से कैश फ्लो बनाने में काफी हेल्प मिलेगा।